आज 9 फरवरी 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 9 फरवरी 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के बच्चे दो प्रकार के हैं, एक भावना से चलने वाले और दूसरे हैं ज्ञान युक्त भावना से चलने वाले। बगैर भावना के भगवान के पास आना मुश्किल है। बाबा के दिमाग वाले भी बच्चे हैं लेकिन भावना वाले ज़्यादा है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई थी, स्नेह युक्त भावना और ज्ञान युक्त योग। केवल भावना नुकसान करती है, कर सकती है, और केवल दिमाग ये भी नुकसान कर सकता है। तो दिल और दिमाग का संतुलन चाहिए, पर कहाँ पर दिल को इस्तेमाल करना है, कहाँ पर दिमाग को इस्तेमाल करना है, इसके लिए बहुत अच्छी परखने की शक्ति चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियाँ चलाई है कि व्यवहार और परमार्थ, ये दो शब्द है भक्ति मार्ग के, व्यवहार और परमार्थ, इन दोनों में अगर आपको सफल होना है तो परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। कल जब निराकार शास्त्र की बात चली तो बहुत सारे फीडबैक देश विदेश से आए और कुछ बाबा के बच्चे ने वही किया जो बाबा हमको अलर्ट करता है कि परखना जरूरी है। पहले अभी तो जब से डिजिटल मुरली आई है कोई भी मुरली को पढ़ता है, तो मैं देखता हूँ कुछ बाबा के बच्चे मुरलियों को ऐसे ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं जो बीके नहीं है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा हुआ है कि जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई आके बैठे आम आदमी तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही बाबा का ज्ञान डायरेक्ट मुरली किसी को सुनाना नहीं चाहिए। पहले 7 डेज का कोर्स, उसका महत्व, और फिर तो पर्सनली मुरली सुनाने के बाद उसको मुरली के बारे में भेजना चाहिए, ऐसे नियम है यज्ञ में। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कुछ बाबा के बच्चे मुरली को डायरेक्ट पोस्ट करते हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मत ऐसे पोस्ट करो, क्योंकि लोग उसका अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालते हैं। क्योंकि बाबा मुरली में ऐसे कई सारे बातें कह सकता है या कहता भी है जो लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है। एक बार ऐसे हुआ था कि बाबा ने कश्मीर के बारे में कहा था कि उस स्थान के ऊपर इतना झगड़ा क्यों करते हो, दे दो, बाद में तुमको पूरा विश्व मिलने वाला है। तो वो मुरली कहाँ से कैसे पहुंच गई हमारे आर्मी के पास, तो उनके लोग इंक्वायरी करने आए, ये कौन है व्यक्ति जो कहता है कि ये जमीन का टुकड़ा दे दो करके। अभी बाबा ऑलमाइटी है, सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, तो वो अधिकार से कहता है। तो बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि बाबा की भाषा
बच्चों के सामने अलग होती है। हमें सभी प्रकार के लोग मिलते हैं जब हम सेवा पर होते हैं। अभी कई लोग रॉयल होते हैं, माना उनकी भाषा भी उतनी ही रॉयल होती है। तो कई बार मुरली में बाबा जो शब्द इस्तेमाल करता है, पिता को बाप कहना भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, माना वो बाप शब्द हल्का शब्द है, लोअर कैटेगरी का शब्द है, वो पिता कहते हैं या पिताश्री कहते हैं। तो अच्छे घर के लोग पिता कहते हैं, शुद्ध हिंदी में भी परम पिता कहा गया है, पर बाप ये शब्द अपमानजनक मानते हैं कुछ लोग। पर बाबा अथॉरिटी है, बाबा ये शब्द इस्तेमाल करता है बाप। अभी कुछ लोगों को इस शब्द के ऊपर आपत्ति है। पुणे महाराष्ट्र में एक बार ऐसे हुआ, अभी हमारी दूसरी स्टेट की बहनें आती है, उनको पता नहीं यहाँ के लोगों की भावना क्या है। तो हर एक स्टेट में जो भी संत होके गए हैं उनको लोग बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। तो महाराष्ट्र में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं महाराष्ट्र में कि ज्ञान देवे रचिला पाया तुका झाला सी कळस, माना संत ज्ञानेश्वर ने फाउंडेशन डाला और तुकाराम उसके पीक पे जाके बैठ गया। तो संत ज्ञानेश्वर तो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन संत तुकाराम महाराज तो गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थ में रहते उन्होंने उच्च अवस्था प्राप्त की। तो हमारी एक आत्मा ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ आत्मा जब महाराष्ट्र पुणे में आए तो उनके मुख से ऐसे शब्द निकला कि ये तुकाराम महाराज ने कहा, तो लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका टाइटल है कि जगत गुरु, वो जगत के गुरु है। संत तुकाराम और महाराज, ये सब पूरा शब्द आना चाहिए। तो ऐसे हर एक स्थान पे है, मैं समझ सकता हूँ। हर एक स्थान पर अपने अपने एरिया के लोगों को उस हिसाब से बुलाया जाता है। अगर आप लखनऊ की देखो तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पे लखनवी भाषा बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कुछ लोग मुंबई की भाषा तो आप सोचो ही मत, सभी प्रकार के लोग इधर है। तो मेरे और तेरे ये दो शब्द यहाँ पे अच्छे नहीं लगते हैं, मेरा कहते हैं तेरा, लेकिन तहजीब या जिसको संस्कारित कहते हैं तो वो आप कह के बोलेंगे। तू तू शब्द ये भी कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तू और मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि बड़ों को बहुत आप इस शब्द से इस बात करनी चाहिए। ये सब बातें बोलने का राज यही था कि परसों की मुरली निराकार का शास्त्र है और उसके ऊपर का स्पष्टीकरण कुछ लोगों ने ऐसे ग्रुप में भेजा जहां से रिएक्शन आनी ही थी। अभी हमको ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण, अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा साकार परमात्मा है। अगर परमात्मा इस धरती पर शरीर धारण करे तो वो कैसे होगा, तो वो श्री कृष्ण के जैसे होगा। तो लोगों की उसके अंदर बहुत भावना है, तो हमको उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि उनकी भावना को ठेस लगे। जैसे अगर कोई ब्रह्मा बाप को या शिव बाबा को उल्टा सुल्टा कहे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी भावना है ब्रह्मा बाबा में और शिव बाबा में। ऐसे ही हमको उनकी भावना का भी सम्मान करना चाहिए। और ये सब सेंसिटिव बातें हैं। गीता का भगवान तो सामने वाले की नब्ज देखकर, परखकर, स्थान समय स्थिति, ये तीन शब्द हमेशा ध्यान में रखे, स्थान समय स्थिति व्यक्ति परिस्थिति, ये देखकर हमको ज्ञान देना चाहिए, ना कि सबको ब्लाइंडली फॉरवर्ड करना चाहिए। आजकल तो क्या हो गया, व्हाट्सएप की वजह से इजीली किसी को भी भेज देते हैं कोई भी। तो मुझे ऐसे लगता है ये नहीं करना चाहिए।
इसीलिए मैं कह रहा था कि बैलेंस बहुत जरूरी है दिल और दिमाग का, और इसीलिए परखने की शक्ति चाहिए। क्योंकि जो वरिष्ठ भाई बहने हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें देखी है दुनिया में, तो उनको ऐसे बहुत सारे अनुभव आए हुए हैं, तो हमको बहुत संभल के चलना चाहिए। तो ऐसी बाबा की मुरलिया या मुरली रहस्य नॉन बीके भाई बहने जिनके पास ज्ञान नहीं है और जिनको निश्चय नहीं है, उनको भेजना नहीं चाहिए। इवन भगवत गीता भी, लौकिक भगवत गीता भी यही कहती है कि ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवत गीता का शब्द है पात्र देखकर दान देना चाहिए, पात्र। बाबा जब मुरली में कह रहा है कि डिबेट या डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो बाबा ये ज्ञान स्वरूप अवस्था से कह रहा है। आज बाबा ने मुरली में स्पष्ट ये कहा कि नब्स परखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने अगर नब्ज नहीं पहचाने, जैसे डॉक्टर ने डायग्नोसिस अगर ठीक नहीं किया तो वो इलाज बचाने के बजाय उसको ख़त्म कर सकता है। इसलिए हमको नब्ज पहचानना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपके सामने कोई आए, अगर उसको प्यास लगी है और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दो तो वो संतुष्ट नहीं होगा, और जिसको भूख लगी है उसको पानी की ज़रूरत नहीं, उसको भोजन चाहिए। ये बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। इसलिए प्लीज़ बहुत अटेंशन से इस ज्ञान को समझना है, हमको बहुत युक्ति से चलना है, क्योंकि हर एक का ड्रामा में रोल है और हर एक की ड्रामा में ज़रूरत है। और एक शब्द है जो बीके भाई बहने इस्तेमाल करते हैं जो हमको यूज नहीं करना चाहिए। बाबा अथॉरिटी है, बाबा को अधिकार है, और वो शब्द है अज्ञानी आत्मा। हमको ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि फलानी आत्मा अज्ञानी है। आप ये कह सकते हैं कि उनके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, है ना, लेकिन अज्ञानी है ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी मतलब उनको कुछ समझ नहीं है, ऐसा भाव होता है। तो ये शब्द और उसका भाव, इसके ऊपर बहुत बहुत हमको अटेंशन देना चाहिए, ताकि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे और बाबा की प्रत्यक्षता भी हो। आज की मुरली में मुझे ये बात बताना इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में कितनी सुंदर बैलेंस की बात कही है। बाबा ने आज माताओं को दो बार याद किया है कि माताओं में मोह होता है, पति और बच्चे में। हमने पहले भी देखा भाइयों में क्रोध और काम का विकार ज़्यादा होता है, तो माताओं में मोह होता है। कम ज़्यादा है, एक्सेप्शन भी रहते हैं, लेकिन ये मेन बात हो गई। तो हम सबको देखना चाहिए कि क्या हम पूरी तरह से नष्ट मोह हुए हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा कि इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखना है, और ऊंच पद पाने के लिए नष्ट मोह बन बाप को याद करना है और पवित्र रहना है। दो बातें बाबा ने कहे, और बाबा ने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा सीधा और सरल, मैं जो बताता हूँ वो सीधा और सरल रास्ता बताता हूँ। कौन सा? सिर्फ याद करो और पवित्र रहो, बस। बाकी बाबा ने इतना स्पष्ट कहा है। अब ये मुरली मेरे ख्याल से झेरोक्स करके अपने पास रखनी चाहिए, साकार मुरली, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे बीके भाई बहने यही प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? अगर माता है तो कहती है मेरे पति का या बच्चे का बुद्धि का ताला खोलो, वो ज्ञान में आ जाए, या वाइस वर्सा, पति भी कहता है हमारे घर वाले ज्ञान में आ जाए, या किसी के पास बीमारी आती है, किसी का नुकसान होता है, तो कहते हैं कि बाबा क्यों नहीं मदद करता। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, मुरली में जवाब दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ इस मुरली को झेरोक्स करके रखो। बाबा का इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है।
बाबा हमको युक्ति बता रहा है कि बच्चे ये तुम्हारा कर्म बंधन है, तुमको काटना है, काटना है। अगर आज के मुरली का भी शब्द देखो जो इतना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन बाबा अथॉरिटी है, बाबा ये शब्द इस्तेमाल कर सकता है। बाबा ने कहा कि क्यों कुछ बच्चे सर्विस नहीं कर पाते हैं, तो बाबा ने स्पष्ट कहा, पहले कहा फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, और फिर कहा माया का अंदर कीड़ा लगा है। अब ये कीड़ा लगा है ये शब्द भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा ये अथॉरिटी से कह सकता है कि ये कीड़ा जैसे अंदर से खोखला कर देता है, भारत में जैसे वर्म्स की बीमारी होती है, वो कीड़ा जो होता है वर्म्स इन्फेस्टेशन जिसको कहते हैं, वो कहीं से भी घुस जाता है और अंदर ही अंदर शरीर के अंदर के खून को ख़त्म कर देता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। आज का सेशन बीमारी के ऊपर नहीं है, लेकिन हमने देखा है जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं जब कुछ काम नहीं करता है तो वो कीड़े की दवाई दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्म होता है अंदर जो दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता है। तो बाबा भी कह रहा है कि सर्विस क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों वो उछल नहीं आ रही है, क्योंकि माया का अंदर कीड़ा लगा हुआ है। तो बाबा आज स्पष्ट रिजल्ट बता रहे हैं, और बाबा ने स्पष्ट बताया कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्मों का हिसाब है, और हमको वो चुक तो करना है। सिर्फ कर्म बंधन है कह के रोते नहीं रहना है, रोते नहीं रहना है। जैसे बाबा ने आज एक गोपिका की बात सुनाई कि वो रो रही है, बाबा को किसी ने भेजा होगा, तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा हिसाब किताब है, अगर तुम योग युक्त हो और तुम्हें निश्चय पक्का है तो पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहते हैं, बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार है। युक्ति से अपने को छुड़ा सकते हैं। आज तो बाबा ने पूरा माताओं को सपोर्ट किया है कि गवर्नमेंट भी आपको पवित्र रहने से रोक नहीं सकते, ये आपका अधिकार है। अभी कायदे भी बदल रहे हैं, मैं ये सब बातें यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, पर कायदे से माता प्रोटेक्टेड है, अगर उसको पवित्र रहना है तो ये उसका अधिकार है। लेकिन बाबा और भी कह रहा है, बाबा कह रहा है कि बच्चे अगर कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है, तो बाबा कहेंगे घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को भी समझा कर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। माना बाबा दोनों बातें कह रहा है। अभी ये किस आधार पर है, तो आप कितना नष्ट मोहा है, अगर ममत्व है या मोह है तो बाबा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे बहुत केसेस सुना सकता हूँ कि माता ने नष्ट मोहा बनकर बाबा का साथ दिया है और बहुत अच्छी सेवा के निमित्त बने हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत नष्ट मोहा जरूरी है। तो इसके गहराई में जाना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि कोई देहदारी मुझे खींच तो नहीं रहा है। बाबा ने इसको फैमिलियरिटी कहा है। फैमिलियरिटी माना किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी की कंपनी अच्छी लगती है, तो उतना वो आत्मा जिसकी कंपनी अच्छी लगती है, जिसके साथ बात करना अच्छा लगता है, परसेंटेज में बाबा से वो रिश्ता उतना कम हो जाता है। सहयोग सबसे लेना है, लेना भी पड़ेगा क्योंकि आप अकेले नहीं हो, लेकिन सहारा केवल एक बाप है। तो सहयोग और सहारा में फर्क है। फिर बाबा ने और एक कर्मों की गुह्य गति भी बताई है। कुछ दिन पहले भी मुरली में आया था, तो बाबा ने आज वो बात भी टच की है कि कईयों का धंधा ही ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता है। मेरे पास भी ये केसेस बहुत आते हैं। उदाहरण देता हूँ, हमारे कुछ भाई है जो आर्मी में थे, उनको दारू की दुकान का लाइसेंस मिला। अभी दारू सभी विकारों की जननी है, ऐसे महात्मा गांधी जी कहते थे।
महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर पद मिल जाए तो मैं सबसे पहले दारू को बंद कर दूंगा। तो दारू का लाइसेंस है तो ज्ञान में आ गए, पता चला कि ये पाप कर्म में आता है, लेकिन अभी क्या करें, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, दूसरे भी ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिनका काम है एजेंट का। अभी एजेंट जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, प्राइवेट में होते हैं, अलग अलग स्थान पर। अभी उनका पैसे का लेन देन बहुत होता है। फिर कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो कुछ दिन पहले मुरली में आया था, अगर पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी, तो घर कैसे संभालेंगे। तो बाबा ने आज ये कहा है कि धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगैर शरीर निर्वाह चल ही नहीं सकता। और फिर बाबा ने कहा आजकल समय ही ऐसा हो गया है। तो इसमें बाबा ने कहा अगर आपके पास बहुत पैसे है तो पाप करने की दरकार नहीं है। बाबा ने स्पष्ट श्रीमत दिया है, दो वक्त की रोटी मिल रही है। मेरे लिए ये वाक्य बहुत मोटिवेशनल था। बाबा ने मुरली में कहा था अगर दो वक्त की रोटी मिल रही है तो बस बाबा को याद करो। इस एक वाक्य के ऊपर हमने लाइफ का डिसीजन ले लिया। अभी पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है, लेकिन अपनी ज़रूरतें कितनी रखना ये हर एक के हाथ में है। कोई व्यक्ति है उसको सब कुछ होने के बाद भी वो असंतुष्ट हो सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी संतुष्ट हो सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं अ डिसकंटेंटेड किंग इज अ बेगर एंड कंटेंटेड बेगर इज अ किंग। असंतुष्ट राजा भी भिखारी होता है और संतुष्ट भिखारी भी राजा होता है। इसका भाव ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, इसको गलत नहीं लेना। बाबा के भाव को समझो कि अगर आपके पास रहने का घर है, दो वक्त की रोटी मिल रही है, तो ज़्यादा पाप करने की दरकार नहीं है, शांत में बैठकर योग की कमाई करो। ऐसा ना हो, बाबा ने स्पष्ट कहा कि आप पहले काम करो और फिर बाबा को बोलो बाबा अब तो मैं फंस गया, आप मुझे बचाओ। तो बाबा ने स्पष्ट श्रीमत दिया है। रही बात वो पाप कर्म की, तो मैंने ऐसे भी देखा जब हमने उनको ऑप्शन दिया, जो दारू की दुकान वाले, मैंने उनको कर्मों की गति सुनाई कि आपके दुकान पे 100 लोग आए दारू लिया, अभी दारू लेके उन्होंने गाड़ी चलाई किसी को उड़ा दिया, फिर दारू लेके उन्होंने हिंसा की किसी को मार दिया, दारू लेके घर में झगड़ा हुआ या जो कुछ भी हुआ दारू की वजह से, तो कर्मों की गुह्य गति के अनुसार आपका उसमें परसेंटेज बन जाता है। तो अगर आपके पास हिम्मत है और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है तो इसको बेच देना चाहिए और दूसरे धंधे में लग जाना चाहिए। तो ऐसे मैंने बाबा के बच्चे भी देखे जिन्होंने ये लाइसेंस बेच कर उसका जो पैसा आया उससे दूसरा धंधा चालू किया। कई लोगों का पान बीड़ी सिगरेट का दुकान था वो भी चेंज किया है। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिनको बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है कि बाबा दो वक्त की रोटी ज़रूर खिलाएगा। तो ऐसे धंधे से वो अपने आप दूर हो गए। पुलिस में भी कई लोग होते हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर समय के अभाव से मैं नहीं जाऊँगा उसके डिटेल में, लेकिन भाव को समझना चाहिए कि बाबा हमसे क्या चाहता है, क्योंकि कर्म के फल से हम नहीं बच सकते। बाबा ने तो स्पष्ट कहा है कि कोई आपको मारता है, किसी के साथ झगड़ा होता है, ये सब आपके हिसाब किताब है। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे केसेस आए हैं, बाबा के बच्चे बहुत नशे वाले थे, बहुत सेवा किया, लेकिन वही बात कि श्रीमत को फॉलो नहीं किया पैसे के मामले में, तो आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अवस्था खराब हो गई, बहुत कुछ हुआ, पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा, नाम बदनाम हुआ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितना हो सके मैं कहूँगा कि अच्छे रास्ते पर चले, भ्रष्टाचार नहीं करे, और पाप की कमाई तो डेफिनेटली नहीं लेनी चाहिए।
अगर पहले से ही आप ऐसे बिजनेस में हैं तो आपको धीरे धीरे करके शिफ्ट होना चाहिए। और बाबा ने जैसे परसों की मुरली में कहा था कि अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, ताकि जब वो कर्म का फल आए तो आपके ऊपर उसका असर नहीं पड़े। लेकिन बाबा के भाव को समझना चाहिए। बार बार रोने से कि बंधन है, बंधन है, बंधन है, क्या करूं, करना पड़ता है, बाबा ने कहा बार बार रोने से कुछ नहीं होगा। कर्म बंधन कह के बचना नहीं है, इसको भी कमजोरी कहा जाएगा। बाबा ने स्पष्ट कहा कि अगर कर्म बंधन है तो छूटने की युक्ति निकालो, लेकिन इसके लिए बहुत पक्का और नष्ट मोह चाहिए। मैंने ऐसे माताओं को भी देखा है। हमारे पास एक माता, उसका पति पुलिस में, दारू पीने वाला, बहुत मार खाया लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। आखिर में उनको योग का प्रयोग सुनाया तो बहुत योग करते थे और प्रार्थना करते थे, तो देखा अपने आप पति सेंटर पर आया, 7 डेज कोर्स किया, उसका शराब भी छूट गया। तो ऐसी माताओं का भी कमाल है। बाबा ने आज उनको भी याद किया कि कई बांधे लिया पुरुषार्थ कर, ज्ञान योग बल से पति को वश कर उन्हें ले आती है, मार भी बहुत खाती है। इसीलिए कहा गया धरत परिये धर्म ना छोड़िए। और एक तरफ ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं कि पति को बुरा लगेगा इसलिए उसको काम विकार में सहयोग देते हैं, क्योंकि पति ने अगर घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे, हिम्मत नहीं है। ऐसी भी माता देखा जिसको बच्चों के साथ घर से निकाल दिया, ब्रह्मा कुमारी में जाती है, वो माता रात भर रोती रही। फिर उसको किसी और ने सहारा दिया, उनके घर पर वो झाड़ू पोता लगाती थी और धीरे धीरे अपनी कमाई उसने चालू की। फिर माड़ा लॉटरी का फॉर्म महाराष्ट्र में निकलता है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसमें उसको घर मिल गया फ्री में, और फिर वो बच्चों को संभालने लगी। ये बाबा की मदद है, लेकिन उसके लिए उतना पक्का होना चाहिए, निश्चय बहुत पक्का होना चाहिए। बाबा ने यही बात कही है कि अमल करना चाहिए बाबा की श्रीमत पर। माया बड़ी प्रबल है लेकिन बहाना नहीं देना है, कर्म बंधन को काटना है योग बल से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबा ने कहा स्व और सेवा का बैलेंस रखना है। आज मैं खुद को देख रहा था, सुबह से मैं निकला हूँ और बहुत कुछ किया, क्योंकि नागपुर में कॉन्फ्रेंस है तो उसके सोविनेर और बुक्स भेजने थे, तो उनको उठाना, उनको पैक करना, फिर टेम्पो करना, टेम्पो से रेलवे में भेजना, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम लेट पहुंच पाए, तो वो इतना मेहनत करने के बाद भी वो आज नहीं जा पाया तो कल जाएगा, तो परसों मिलेगा, ऐसे डेडलाइन मिस होते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। और अभी रात बजे, अभी मेरे को खाना भी बनाना है जाके। तो देखा कि ये सब सेवा करते समय मैं अपनी अवस्था को चेक करा था कि मानसिक अवस्था कैसे है, तो बीच बीच में मैंने देखा ये समान का अभ्यास हमको बहुत मदद देता है। तो मैंने ऐसे भी बाबा के बच्चे कहते सेवा सेवा सेवा, खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, ना खाने का ध्यान रखते हैं, ना सोने का ध्यान रखते हैं, फिर उनको इफेक्ट आता है। तो बैलेंस रखने से कमाल होती है। सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मैं तो कहूँगा स्व सेवा सबसे पहली सेवा है। अगर अमृत वेला बैटरी चार्ज है तो दिन भर बाबा की मदद मिलते रहती है। तो बाहर मुक्ता में आने के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल नहीं करना है, क्योंकि भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देते। भागदौड़ करते समय भी अगर सोल कॉन्शियस रहे, करण करावनहार बाबा इसका अटेंशन रखे, तो मेरा अनुभव है कि ये सब सहज हो जाता है। एनर्जी अभी भी रात के 10:15 है तो, पर मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है। इसके बाद भी मुझे कल के सेशन की तैयारी करनी है, वो भी मैं रात को बैठ के करूँगा। ये सब बातें मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि अगर अमृत वेला आपका अच्छा हुआ है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो बाबा आपको शक्ति देता है। तो यही बात लास्ट में बताएंगे कि बाबा ने जो ड्रामा प्लान अनुसार हर बच्चे में विशेषता दी है, उस बीज को सर्व शक्तियों के जल से हम अगर सिंचित करते हैं
तो वो फलदायक बनता है और समय पर हमको मदद करता है। तो आज की पूरी मुरली मैं कहूँगा कि बैलेंस में रहे, स्व और सेवा का बैलेंस रहे, देखे मेरे अंदर कौन सा विकार है डोमिनेंट, कहीं मेरे अंदर मोह तो नहीं है, काम क्रोध लोभ, और बहुत अटेंशन से इनको निकालना है। कोई भी आश नहीं रखनी है, बाबा मिला सब कुछ मिला, मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नष्ट मोह बने, बाप को याद करे, पवित्र रहे, तो हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। और गम का जमाना जो आज का गीत है, तो वो गम का जमाना खत्म होके खुशी के जमाने में या खुशी के राज्य में हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।